हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आप लोगों के लिए एक ब्लॉग आ रहा है, ठीक है, जिसके मैं अभी शूट करने के रास्ते में हूँ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल, ठीक है, 2022, जो कि इस साल इस्लामाबाद F9 पार्क, मतलब के फातिमा जिन्ना पार्क में हो रहा है, ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है, काफी मजे के स्टॉल्स होंगे, देखेंगे। पर वीडियो को आगे देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। खैर, हम लोग यहाँ पे F9 पार्क में दाखिल हो रहे हैं। सो गाइस, ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, फातिमा जिन्ना पार्क। अभी हमने बहुत चलना है, बहुत रश काफी लग रहा है मुझे, है ना। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टॉल। वाओ, दिस इज ऑल हैंडमेड, वेरी नाइस। बहुत सारे कपड़े भी हैं, टू मच वैरायटी ऑफ क्लोथ्स इन वेरी रीजनेबल प्राइसेस। It's a plant. It's a plant. Indoor plant. Indoor plants. Thank you. Mom's garden. So for now, I bought these scrunchies and they are from Rangeen and they look so pretty. यहाँ पे ना बहुत amazing किस्म के artist भी हैं. Let me show you one of the stores here. That is S Strokes. Look at this. Isn't it so beautiful? Very beautiful paintings. I love this one. Oh. I love this. Look at this beautiful lamp. वॉचर्स इकट्ठे हो गए हैं हमारे, ठीक है, इनसे क्या करना है हमें? खाएंगे, मंडेंगे। लेकिन सैडली ये ज्यादातर बेकर्स के हैं, बेकर्स। तो गाइस, इस्लामाबाद में होते हुए हम लड्डू पीठी खाने लगे हैं, ठीक है, जो कि लाहौर की स्पेशलिटी है और शायद बाकी शहरों की भी हो। सो लेट मी शो यू कि कैसे बनाते हैं लोग लड्डू पीठी। आलू बुखारे की चटनी है। आलू बुखारे की चटनी? आलू बुखारा विद इमली। विद इमली। और ये वाली चटनी किस चीज की है? पानी की है, सॉरी। सही, खुबानी की चटनी। ये पुदीना है और धनिया है और ये चिली इसमें ज्यादा है। काफी मजेदार लग रही है। थैंक यू सो मच। चीन है यार, लग तो बड़ी फिट रही है लेकिन ठंडी होगी। फर्स्ट प्लीज टेल मी हाउ डज इट टेस्ट, कैसी है? इट्स गुड। इट्स गुड बट नॉट लाइक लाहौर। लाहौर वाली फील नहीं, लाहौर वाली बात नहीं होती। मजे ही है। यहाँ पे एक और बड़े मजेदार सा स्टॉल है, जिसकी बहुत 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 प्यारी प्रेजेंटेशन है इनकी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉल्स जिसकी मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी है। तो इस टाइम फीजी जो है वो स्लाइडर खोल ले। सॉफ्ट है बन? इज इट सॉफ्ट? इट लुक्स सॉफ्ट, इट लुक्स सो यम्मी। ये तो वन बाइट की गेम है। डू लेट मी नो कैसा। इट्स नाइस। ये उफ फूड्स का स्लाइडर लिए, इसको हम ट्राई करते हैं, वेरी यम्मी। सो गाइज, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करने लगे हैं चिकन डंपलिंग्स एंड दैट्स हाउ दे लुक, सो क्यूट। थैंक यू सो मच। लोगों ने ली हैं डंपलिंग्स, अब हम इसको खाएंगे। लग बहुत मजे की रही है। आपने एक एक चीज बतानी है। ये अब आप क्या कर रहे हैं? सॉस में डिप कर रहे हैं। नाइस। नाउ लेट्स सी, ये फैशन स्टोर पे कैसी 43 स्टॉल पे मेहंदी भी लग रही है, तो अगर आप लोगों में से एक तो इनका गॉर्डन राम से जाग जाता है ना। कैसी है? शुक्रिया, ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड। स्टॉल नंबर 89 टेस्ट बाय मरियम पे एवरीथिंग इज अंडर $1। ऐसे ही है ना, कुछ मजे की है, अंडर $1। ये $1 की नहीं है, ये ₹200 की है, चार डम्पलिंग्स। ये आप क्या कर रही हैं? ये मैं इसको काट के इसके अंदर फिल करूंगी। इट्स सो यम्मी, यू सो मच। आगे हमारे पास शेजी। नंदी ने बड़ी जुस्तुजू से हमें बुलाया। हाँ, पकौड़े।
क्योंकि गर्म चीजें नहीं मिल रही यहाँ पे, है ना, गर्म ही है ना। थैंक यू सो मच। अब आ गए पकौड़े, ठीक है, जो कि बड़े क्यूट तरीके से हमें बच्चों ने बुलाया और कहा पकौड़े खाएं, तो लेट्स ट्राई दीज। ऑर्डर ट्राई करते हैं। मजे क्या, एक्चुअली वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस। नॉर्मली होते हैं पकौड़े होते हैं वट्टे की तरह, वट्टे की तरह होते हैं, बड़े मजे के हैं, वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही हैं, उससे थोड़े करीब करीब हैं जैसे हमारी मम्मा बनाती हैं। अब हम उरूज कुजीन की बिरयानी ट्राई करने लगे हैं। हम बहुत थक गए हैं, आई थिंक ये प्रोबेबली हमारा लास्ट फूड होगा विच इज़ अ बिरयानी। ऑब्वियसली किसी ऐसी जगह पे और बिरयानी ना खाओ, इम्पॉसिबल। कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है मुझे, खुशबू अच्छी है। ये तो होगा, बहुत ही कोई फारिक बिरयानी है कसम से, बिरयानी के नाम पे धब्बा। तो भाई सीन ये है कि खा खा के अब तो लिपस्टिक भी हट गई है और सब कुछ ले लिया है, मजा आया है, अच्छा लगा। ये अब क्या हो रहा है F9 पार्क में? ओ फुल टाइम आता सीन्स। That's all for today. I hope you like the vlog. Do let me know in the comment section and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.